अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। चीन के खिलाफ बिहार में जन अधिकार पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने की जनता से चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। चीनी सीमा पर 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद बिहार में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस बीच पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना में चीनी सामान के पोस्टरों पर काली पोतकर अपना विरोध जताया। साथ ही उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। पप्पू यादव ने कहा कि चीन ने भारत की 60 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसके बावजूद केंद्र सरकार चीन के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है, वह चीन के खिलाफ एक्शन लेने से डर रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम जनता को जागरूक करेंगे कि वो चीनी सामान का बहिष्कार करे, ना खरीदे। भारत की 60 वर्ग किलोमीटर जमीनी चीनी कब्जे में हो चुका है, आप तब से मौन थे। अब मुझे आप एक बात बताइए, ये पूरा बिहार की जनता जानना चाहती है और देश की 220 कंपनियों का चीन के साथ आश्चर्य होगा, लीगल कनेक्शन है, लीगल। और इतना ही नहीं, लगभग भारत की दर्जनों कंपनी चीन के भारी निवेश कर चुका है। टेंसेंट ने भारत विदेश कंपनियां सुनवाई, कैपिटल 16 कंपनियां, स्वास्थिका 10 कंपनियां, स्वामी 8 कंपनियां, फोसुन आरजेड कैपिटल 6 कंपनियां, हिलाउस कैपिटल 5, स्टार्टअप्स 29,000 करोड़, स्मार्टफोन 70%, होम एम्प्लायंस 1,000%, ऑटो कंपोनेंट 26%, फॉर्मुलिस्टिकल 60%, सोलर पावर और टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट बड़ा रोल। भारत में सोलर पावर क्षमता 37,916 MD, 90% शेयर चाइनीज का है। अब आप हमको बताइए कि आखिर क्या होगा। आप लगातार पूरी दुनिया में, आपका अमिताभ बच्चन प्रचार कर रहा है, ये हीरो प्रचार कर रहा है, आपका प्रचार क्रिकेटर कर रहे हैं, आप बैंड नहीं लगाते हो, क्या कारण है कि बैंड नहीं लगता है? तो इसीलिए आप यदि नहीं करोगे तो जनता को जागरूक करेंगे कि आप चाइनीज कोई सामान ना खरीदें। लगातार उनकी हमला की प्रवृत्ति जारी है, सरकार मौन है। सिर्फ 72 घंटे के बाद आकर के फिर वही प्रवचन दी और फिर गायब हो गए बिहार सरकार। 6 लोग बिहार के शहीद हो गए, ट्वीट तक नहीं किया। नीतीश बाबू के कुकर्मों का पाप का नंगा खेल जारी है। कोरोना वायरस में भी बिहार की जनता के साथ वही किया, और जब बिहार रेजिमेंट के 6 लोग शहीद हो गए टोटल मरे, तो उसके बाद नीतीश बाबू को किसी बात का चिंता नहीं है। हमारी पार्टी ने सभी 6 बिहारियों को जो शहीद हुए हैं 1-1 लाख रुपया हम निर्णय लिया है देने का, और साथ साथ अविलंब पूरे भारत में जो चाइनीज एडवर्टाइजमेंट है उसको आप रोकिए, और जो बड़े बड़े लोग इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसको तुरंत रोक लगाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।